एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन विक्सु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, आज है थर्ड डे, यानी कि आज है पहली अरब, और शाम के वक्त से पहले ही पापा ने पूरे फल की शॉपिंग की है। और ये है धनबाद का मार्केट, जो कि फल और फूल सबसे सजा हुआ है। तो पानी फल, संतरे और सारे फल्स जो हैं वो सारे फल लिए गए। इसे हल्दी कहते हैं, जो कच्ची हल्दी होती है वो भी हम लोग अरग में चढ़ाते हैं। और जितने सारे फ्रूट्स हैं, आप जितने सारे फ्रूट्स चाहो वो सारे फ्रूट्स आप चढ़ाओ। और ये नारियल है, सूप है, दौरा है, तो ये सारी चीज़ें, ईख, ये सारे फ्रूट्स जो हैं वो अरग में चढ़ाए जाते हैं। तो ये आज का दिन बहुत ही यूनिक होता है। और ये घर, जो कि घर की सफाई हो रही है, सुबह का टाइम हो रहा है, और सुबह के टाइम में, क्योंकि जल्दी जल्दी सफाई करने के बाद ठेकुआ बनाना था, जो कि आज का दिन। और सभी लोग अगर कहते हैं कि अगर छठ का प्रसाद में ठेकुआ ना हो तो प्रसाद में कहीं ना कहीं कमी होती है। तो आज थर्ड डे के दिन ये प्रसाद बनाया जाता है, जिसमें ठेकुआ बनाया जाता है। तो उससे पहले घर की पूरी सफाई हो रही है, क्योंकि पहले भी आपको जिस तरीके से बताया कि छठ पूजा के दिन बहुत ही साफ सफाई से बहुत ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जिसको फॉलो करते हुए ये पर्व मनाया जाता है। तो मैं, मेरी बहन घर सफाई में लगे हुए थे। ये आंगन है, बहुत बड़ा आंगन है हम लोगों का, और इस आंगन की सफाई हो रही है। और उसके बाद अंदर घर की भी सफाई हो चुकी है। तो ये सारी सफाई करने के बाद फिर अब नहाएंगे, और नहाने के बाद फिर ठेकुआ वगैरह बनाने की तैयारी में हम लोग जुटेंगे। तो ये पूरी तैयारी हो गई है, और ये पीतल के बर्तन जो कि छठ पूजा में यूज़ होता है, और मैं भी नहा वहाँ करके रेडी हो चुकी हूँ। और अब जो है ठेकुआ बनाने की तैयारी हो रही है। और सुबह 10 से 11 बजे से ही हम लोग लग गए थे ठेकुआ बनाने में, क्योंकि शाम में भी जल्दी ही घाट पर पहुंचना होता है, उसके लिए भी आपको रेडी होना होता है, फिर घर के लिए खाना भी बनाना होता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग जल्दी जल्दी ही काम कर रहे थे। तो ये अर्घ का ठेकुआ बन रहा है, जिसको घी से बनाया जाता है। घी का यूज़ किया जाता है पहले, और जो अर्घ नहीं देने वाला ठेकुआ होता है वो उसको रिफाइन में बनाया जाता है। तो ये मैं पूरा ठेकुआ का जो मिक्सचर है वो तैयार कर रही हूँ। ये आटा है, और आटे का ही ठेकुआ बनता है छठ में, मैदे का नहीं बनता है। तो आटे का ठेकुआ में घी मिलाया गया है, और घी मिला करके उसे पहले अच्छे से मिक्स किया जा रहा है, क्योंकि उसको जब आप अच्छे से मिक्स करोगे उसके बाद ही फिर आप चीनी डाल करके और हल्का सा पानी डाल करके उसका मिक्सचर पूरा तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए, ये बहुत टाइम लगता है इसमें, क्योंकि आप जब अच्छे से मल लेते हो इसे, और अच्छे से जब मिक्स हो जाता है घी और आटा, तभी जा कर के ठेकुआ जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये मैं अपने काम में लगी हुई थी, क्योंकि अर्घ वाला जो ठेकुआ है उसे सबसे पहले बनाया जाता है और उसे निकाल लिया जाता है, और वो भी बहुत ही शुद्धता के साथ बनाई जाती है। नहा करके तभी आप बना सकते हो, अगर आप कुछ नहीं खाए हो तभी नहीं, तो फिर आपने अगर खाना वाना खा लिया है तो आप अर्घ का ठेकुआ नहीं बना सकते हो। तो मम्मी का हेल्प करना था, इसलिए मैंने नहा वहा करके बना लिया। और ये देखिए, ये जो मेरे हस्बैंड हैं वो फल लाते हुए घर पहुंच गए हैं, और पापा भी पहुंच गए। ये दोनों गए थे ठीक फल लाने के लिए, और इधर जो है हम लोग ठेकुआ बनाने में जुटे हुए हैं, और बातें भी हो रही है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है, जो कि रिया नाम है उसका, और वो बहुत ही शरारत करती रहती है। तो उसका ज़िद था कि वो भी इस ठेकुआ को बनाएगी, तो वो वहीं पे बैठी हुई थी और बैठ करके सारी चीज़ें देख रही थी। तो ये देखिए, इसको सबसे बड़ी बात है कि इसको घी में ही छाना जाता है, आप इसको रिफाइंड में नहीं छान सकते हो। तो मैं कुछ कुछ कह भी रही थी, पूजा से भी कुछ कह रही थी, मम्मी से भी कुछ कुछ कह रही थी, और रिया से भी कुछ कुछ कह रही थी। तो सब लगे हुए थे, क्योंकि मम्मी अकेले कर नहीं पाती है, और सबसे बड़ी बात है कि मम्मी थोड़ी सी बीमार रहती है, इसलिए उनसे अकेले काम पूरा हो भी नहीं पाता है। तो इसलिए हम लोग सब मिल करके लगे हुए थे। और ये देखिए, ये मिक्सचर तैयार हो चुका है,
अब इसका छोटा छोटा सा गोला बना करके और फिर इसे ठेकुआ को जो है वो ठोकते हैं। ये छोटा छोटा पहले हम लोग गोला तैयार कर रहे हैं और उसके बाद ही आगे का काम जो है वो करेंगे। तो इसमें टाइम टेकन ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज के दिन ये काम करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है कि वो ठेकुआ का जो है ठेकुआ बनाए आज के दिन। तो इसे बहुत ही यूनिक कहा जाता है और बहुत मायने में सही भी है, क्योंकि आप अपने घर पे रहो, कहीं भी रहो, बिहार झारखंड यूपी साइड के लोगों का यही कहना है कि आप कहीं भी रहें, दुनिया के किसी कोने में रहें, लेकिन अगर आपके घर में छठ होता है तो कोई भी लोग अपने घर ज़रूर पहुंचता है। और ये सिर्फ अभी के समय नहीं, कोरोना टाइम में भी देखा गया था, लगभग लोग अपने अपने घर पहुँचे थे। तो ये देखिए, ये घी में ये ठेकुआ छना रहा है और आधा ठेकुआ बन चुका है और आधा और अभी बनना बाकी है, क्योंकि इसको बाटा भी इसी को ही जाता है, मिक्स करके बाटा जाता है, पहले अर्घ वाला ठेकुआ और जो बिना अर्घ वाला ठेकुआ होता है वो दोनों को मिक्स करके बाटा जाता है। तो ये पूरा ठेकुआ जो है वो तैयार हो चुका है। एक तरफ मेरी बहन जो है वो खाना बनाने में लगी हुई थी और हम लोग इधर अर्घ का ठेकुआ बना रहे थे। और ये है लड्डू, ये चावल के आटे का लड्डू बनता है। और इस लड्डू में क्या क्या मिलाया जाता है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें घी और गुड़ का जो रावा आता है, और कई जगह अलग अलग लोग इसे कई नामों से जानते होंगे, लेकिन इसे रावा कहा जाता है। और इसे पहले घी मिला करके उसे अच्छे से मिक्स किया जाता है चावल के आटे में, और फिर उसके बाद वो रावा डाला जाता है, जो कि साइड में देखिए वो रखा होगा, वो गुड़ का ही होता है, गुड़ का पिघला हुआ एक वैसे ही दिखता है वो, उसे रावा ही कहते हैं। और इसे मिक्स करके और फिर इसका लड्डू बनाया जाता है। तो ये हमारे तरफ बनता है, बाकी और जगह क्या क्या बनता है वो सब जगह का अलग अलग है। सब लोग जिस तरीके से इस पूजा का व्रत उठाते हैं उसी तरीके से वो हर समय करते हैं। तो मम्मी ने ये सारी चीज़ें लगाई थी, और ये देखिए इसे रवा कहते हैं, और इसे मिला करके और फिर इसे भी अच्छे से मिक्स किया जाता है। देन फिर उसके बाद इसको बनाया जाता है, और ये बहुत ही सिंपल होता है, खाने में भी बहुत इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है। ये मैं इधर अपना वो काम में लगी हुई थी और एक मैम आई थी हमारे यहाँ मम्मी का हेल्प करने के लिए। हम लोग तो थे ही, लेकिन इनका भी बहुत ज़्यादा ही शौक होता है कि ये हमारे घर हर साल आती हैं और ठेकुआ वगैरह बनाती हैं। तो ये जो है ये अर्घ वाला ये ठेकुआ नहीं है, और मैं साइड में लड्डू बना रही हूँ। देखिए वो उसका मिक्सचर जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, और अब इसे छोटा छोटा ही बनाया जाता है, ज़्यादा बड़ा बड़ा इसका लड्डू नहीं बनाया जाता है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अगर आपके तरफ बनता हो तब तो अच्छी बात है, नहीं बनता हो तो कभी भी आप ऐसे भी किसी भी टाइम ये बना करके ज़रूर खाना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। फिर जब ये बनाना कम्प्लीट हो गया उसके बाद हम लोग फल धुलने में जुट गए, क्योंकि फल पहले धो देते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है फल, और उसका पानी निकल जाता है, तो उसे दौरा में सजाने के में भी इजी होता है। तो मैं फल धुलने में लग गई, और फिर उसके बाद पूजा जो है वो मेरा हेल्प कर रही थी। ये दोपहर के हो रहे हैं 3, और मैं दौरा सजाने में लग गई हूँ, क्योंकि अब जल्दी निकलना भी था और ख़ुद भी रेडी होना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले दौरा सजा देती हूँ। मैं थोड़ा सा रेस्ट की, और रेस्ट करने के बाद थोड़ा और बहुत इधर उधर जो काम था वो मैंने किया। तो ये दौरा सजा रही हूँ मैं, और हमारे यहाँ किसी और लोगों का भी सूप आया था तो उसको भी सजा रही थी मैं। और पूजा जो इधर है वो बैठी हुई अपना दिए का काम वो सिमटा रही थी, तो सभी लोग जुटे हुए थे कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए ताकि टाइम से हम लोग रेडी हो करके निकल जाएं, क्योंकि जब सूर्य भगवान ढलने के ये पे होते हैं, समय पे होते हैं, तब जा करके अर्घ दिया जाता है। मम्मी यहाँ बैठी हुई है, हम लोग को देख रही थी कि हम लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं,
और वो बताती भी जा रही थी कि इस तरीके से सजाना है। तो ये देखिए ये दौरा सज चुका है और पापा इसे अब धोती में बांध रहे हैं, क्योंकि धोती में बांधने के बाद फिर ऊपर से वो जो रेड कलर का दुपट्टा रखा हुआ है उसे डालना है। तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि रेड कलर का दुपट्टा ऊपर डालें और ये गिर जाए, तो वही मैं और पापा मिलकर के डिसाइड कर रहे थे। फिर उसके बाद यही डिसाइड हुआ कि धोती बांध देते हैं, ऊपर से दुपट्टा डालते हैं। तो देन फिर उसके बाद धोती बांध दिया गया और दौरे में धोती बांधा गया और देन फिर उसके ऊपर से दुपट्टा डाला गया। बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं 2 साल के बाद अपने घर में छठ मना रही थी और मम्मी के साथ पापा के साथ सब लोग इंजॉय खूब किए हैं। और ख़ास करके इस बार का इसलिए स्पेशल था क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। 2 साल के बाद हम लोग अपने घर गए और वहाँ पर मायके में जा कर के छठ मनाया। तो ये छठ हमारे लिए ख़ास करके बहुत ज़्यादा स्पेशल था इस बार। तो ये दौरा रेडी हो चुका है, फिर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए थे, भाई भी मेरा रेडी हो गया था। फिर पापा ने दौरा उठाया और फिर वो घाट पर सबसे पहले पहुँचे, उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे क्योंकि हम लोग अभी रेडी नहीं हुए थे। हम लोग सोचे थे कि पहले दौरा वाला काम कंप्लीट कर लें उसके बाद फिर हम रेडी होंगे। तो ये दौरा हो चुका है और फिर पापा और मेरे हस्बैंड और भाई मेरा गया निकला घर से। तो ये देखिए ये है घर का व्यू और पूरी गार्डनिंग की हुई है जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। और ये है घाट पर जाने का रास्ता जो कि पूरी ग्रीनरी है और हमारा घर जहाँ है वो पूरी ग्रीनरी ही दिखती है। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ का। और ये दोनों चल रहे हैं आगे और ये घाट पर पहुँच रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग भी रेडी हो चुके थे। फिर देन हस्बैंड मेरे फिर से घाट से वापस आए और फिर मैं उनसे पूछ रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि उनका हर बार यही कहना होता है कि मैं सब समय अच्छी ही लगती हूँ। तो फिर पूजा के कुछ फ्रेंड्स भी मिले जो कि मेरी सिस्टर है पूजा और ये रिया, आगे आगे जल्दी जल्दी भागने पे लगी हुई थी। तो ये देखिए ये घाट है जहाँ पे अर्घ आज देना है और ये घाट बहुत अच्छे से सजाया गया है। सिक्योरिटी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हाई अलर्ट पर रहती है क्योंकि आज के दिन सभी लोग दूर दूर से भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं घाट, मम्मी साथ में हमारी है, मैं मेरे हस्बैंड और मम्मी साथ में चल रहे हैं और ये घाट का व्यू है। देखिए कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है, फुल साउंड में छठ का गीत जो है वो चलता रहता है और हम लोग पहुँच गए हैं। और आज पहली अर्घ है और मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस प्लीज़ ये ब्लॉग है और इस अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके का ब्लॉगिंग करूं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं हर समय इस तरीके का ब्लॉगिंग करूंगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। तो ये व्यू है तालाब का और यहाँ पे अर्घ मम्मी को देना है। मम्मी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अब शाम ढलने का टाइम हो चुका है, शाम होने वाली है, सूर्य भगवान बस सूर्यास्त होने वाला है और यहाँ पर सभी लोग खड़े हैं। तो मम्मी पानी में गई और फिर मैं इसलिए डर रही थी क्योंकि काफ़ी गहरा तालाब है, भाई भी पीछे से आ गया मम्मी को पकड़ने के लिए। और फिर हम लोगों ने इस तरीके से पहला अर्घ दिया और मम्मी पानी में जा कर के, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत जगह ऐसा सिस्टम होता है कि लोग घर से ही नहा करके आते हैं और फिर थोड़े से बस पैर घुटने से नीचे पानी में जा कर के अर्घ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग है। मम्मी नहाती है और फिर उसके बाद वहाँ पे अर्घ देती हैं उसी साड़ी में, गीली साड़ी में। और मैं किसी बात पर हंस रही थी क्योंकि मेरे भाई और मेरे हस्बैंड दोनों हंसाने पे ही लगे हुए थे लगातार। तो ये मैंने मम्मी को सिंदूर किया और फिर केले का जो थाम्ब है उठा करके उनको दिया और फिर उन्होंने पहला इससे अर्घ दिया। तो ये सारा मोमेंट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 साल हो गया।